मऊ जिले के पूर्व घोसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता से फोन पर 8 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। इतना ही नहीं, रंगदारी न देने पर जान से मारने के और गाड़ी सहित बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता के हाथ पैर फूल गए। वहीं पुलिस प्रशासन से कांग्रेस नेता ने थाने में मामला दर्ज कराया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। पिछले विगत 19 अक्टूबर को मैं आदेदी गांव में कुश्ती प्रतियोगिता थी, उसका मैं मुख्य अतिथि था। वहां से मैं वो चला तो नशोपुर गांव सटा हुआ गांव है, वहीं पे अनिल सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके यहां भोजन का प्रोग्राम था। तो मैं उनके यहां भोजन करने के लिए बैठा था, तब तक 7:32 पर फोन आता है मेरे पास कि राजकुमार बोलत हुआ। हम कहने हाँ। उसके बाद हमको गाली देने लगा। गाली देने के बाद उसने ये कहा कि 8 लाख रुपया दीपावली के पहले रंगदारी दे दो, रुपया दे दो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे, फार्चूनर सहित बम से उड़ा देंगे। तमाम तरह की धमकियां उसने दिया और गाली भी दिया। वहीं हिंदी भवन में सर्वदलीय नेताओं की गोष्ठी में धमकी मिलने के बाद अभी तक खुलासा न होने का विरोध जताया गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, इनको एक धमकी प्राप्त 19 अक्टूबर को फोन आया जिसमें उन्हें 8 लाख रुपए की मांग की गई है, जान मारने की धमकी दी गई है, गालियां दी गई हैं। इससे हमारा पूरा सभी सर्वदलीय लोग, सभी दल के लोग चिंतित हैं और यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सबसे पहली बात कि सभी लोगों ने मिल करके इस घटना की निंदा की है और सरकार से मांग करने बैठे हैं कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाएं और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो लोगों के जनहित के कार्यों को काम करते हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करावें। इसके साथ ही धमकी मिलने के बाद बाकी सभी दलों के नेताओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।